ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और कमोडिटी मार्केट में काम करने वालों को राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन में नई सफाई जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक दफ्तर खुले रह सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों का वैक्सीनेशन की शर्त यहाँ पर लगाई गई है, और वैक्सीन अगर नहीं लगाई गई तो 15 दिन तक वैधता के साथ RT-PCR रिपोर्ट जरूरी हो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CPAI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जुड़ रहे हैं। वाधवा जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं सर कि ये तो सुबह 7 से 8 बजे तक ये मंजूरी दी गई है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में ट्रेड तो रात के 11:30 बजे तक होता है। वाधवा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे रात तक दफ्तर खोलने की मंजूरी मिली है, आप लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन कमोडिटी में ट्रेड तो रात के 11:30 बजे तक होता है। नहीं देखिए, सर्कुलर के ऊपर है जो नोटिफिकेशन आई थी, तो नोटिफिकेशन में सिर्फ एक्सचेंजेस को इंक्लूड करा हुआ था, ब्रोकिंग हाउसेस को नहीं इंक्लूड करा हुआ था। तो हमने रिक्वेस्ट करी थी जो चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को कि जो भी इंटरमीडिएटरी हैं सेबी को उनको अलाउ किया जाए, जिससे कि वो फ्रीली अपने ऑफिसेज में जाके जो मार्केट्स के ऑपरेशंस होते हैं वो निभा पाएं। उसके अंदर एक इशू अभी रह गया है कि उन्होंने कहा है कि हर 15 दिन के बाद जो कोविड का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो उसका भी हम फॉलो अप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि स्मूथ ऑपरेशन रहे ब्रोकिंग बिजनेसेस के। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए इस खबर पर अपनी राय। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू